कदिल चोरी साडा हो गया, कदिल चोरी साडा हो गया, खाटू के उद्धार किया। करने के बाद में वस्त्र लिए, वस्त्र पहने, आगे बढ़े, क्या देखा कि महाराज तीन जगह से टेढ़ी एक कुवड़ी, नाम है कुब्जा, इतनी क्रूर के उसके रूप को देख करके लोग दूर भाग जाते हैं, हाथ में चंदन का कटोरा लेकर के चली आ रही। अच्छा एक बात ध्यान रखना मेरी माँ मैया सुन ले, बात न करो। देखो भगवान कन्हैया जो है, हमारे भगवान जो है, वो ये बताओ आपका मन देखते हैं कि तन देखते हैं? बताओ भगवान मन देखते हैं या तन देखते हैं? मन, सही बताओ साचा। तो मंदिर में जाइयो और 10 लाख को गहने पहन जाइयो, जेवर पहन जाइयो, 10,000 रुपया की नामी साड़ी पहन जाइयो और मंदिर में जाके भगवान से कहियो, नाथ तुम हमें देखो, हम 10 लाख रुपया को जेवर पहने आए, सबसे पहले लाइन में मोई लगाओ। तो भगवान तुम्हें लाइन में लगाए थे? नहीं लगाएंगे। और अगर कोई महाराज पुष्प लेकर के भगवान के द्वार को चला जाता है तो भगवान उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर भगवान महल तुमेला ही देखते, अगर भगवान 10 मंजिल घर ही देखते, अगर भगवान 56 प्रकार के भोग ही देखते तो दादा कभी विदुर जी के यहाँ पर भोग न लगाते। अगर भगवान रंग रूप ही देखते, अगर भगवान पैसा ही देखते तो महाराज कुब्जा जैसी स्त्री को भगवान अपनाते नहीं। क्योंकि ये ध्यान रखना, हमारा ठाकुर जो है, हमारा भगवान जो है, वो आपका तन नहीं, वो तो आपका मन देख करके स्वीकार करता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और इस बीच में ये हमारे छोटू भैया जी, जिनके द्वारा हमारा यहाँ तक आना हुआ और आज हमारी हमारी कथा चल रही है इधर विधुना में, आज वहाँ भी कथा का छठवां ही दिन था तो बड़ी मुश्किल से आए भाई महाराज, वजह तो ही वजह चले आए ना हम। हाँ हम जरूर जाइए। सो कथा चल रही थी विधुना में, बड़ी मुश्किल से तो हिंद आए पाए। सो छोटू भैया जी हमारे जे 5100 रुपए दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं, एक माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं और इन भैया जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे कि भैया जी के हाथ ऐसे धर्म के लिए बढ़ते रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे। और भैया जी के लिए हम 2 शब्द कहना चाहेंगे, क्या गंगा यमुना